मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को ट्वेल्थ के बाद कनाडा में जब आप पढ़ाई करने के लिए आते हो तो डिग्री लेनी चाहिए या डिप्लोमा लेना चाहिए। सो वीडियो पूरी देखो गाइस, बिकॉज मैं जो कंपैरिजन करूँगा वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे करूँगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर करना आप पूरी वीडियो देखें और उसके बाद डिसीजन लेके आप लोगों को डिग्री लेनी है या डिप्लोमा लेना है। बिकॉज सबसे ज़्यादा आज जो क्वेश्चन है वो यही है मुझे, बिकॉज मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की है गाइस कि इंस्टाग्राम के ऊपर एवरी फ्राइडे मैं पोस्ट डालता हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट वाला जो वीडियो में डालूंगा वो किसके टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मैक्सिमम बच्चों ने ये वाला सेलेक्ट किया था कि हम लोग ना ट्वेल्थ कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग को पता नहीं हम लोग क्या करें, डिग्री ले, डिप्लोमा ले या कहाँ पे जाए, क्या करें। सो वीडियो एंड तक देखो, डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगेगी। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज गाइज आप जितना सब्सक्राइब करते हो, जितने लोग चैनल पर बढ़ते रहते हैं, मुझे उतना अच्छा लगता है, उतना मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियोज़ बनाने के लिए। सो अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ काफ़ी टाइम से देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भाई, अच्छा लगता है। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज़ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, विंटर इज़ कमिंग, ठीक है। बिकॉज कल जो टेम्परेचर था वो अराउंड लाइक 28 डिग्री 30 डिग्री के आसपास था, अच्छी खासी धूप थी। और अभी धूप है, अभी भी धूप तो अच्छी खासी निकली हुई है, बट हवा जो आ रही है, बिकॉज आप लोग को वीडियो में बैकग्राउंड में हवा भी सुनाई देगी अच्छे से, मतलब जो विंड आ रही है। और टेम्परेचर भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है, लाइक अराउंड 16 टू 17 डिग्री के आसपास अभी टेम्परेचर है। और आज का वेदर दिखा रहा है कि लाइक 7 डिग्री तक जा सकता है। सो ठंडी बहुत बढ़ रही है, बिकॉज मुझे फील हो रहा है ठंडी हवा आ रही है। मेरे को 3-4 महीने से बिल्कुल भी कोई ठंडी हवा फील नहीं हो रही थी, बट अभी हो रही है। और मैं शर्ट पहन के निकला हूँ, पता नहीं वीडियो कैसे बनाऊँगा मैं एंड तक, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड राइट नाउ। आप देख सकते हो मैं अभी कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली। सो छोटा सा पार्क है गाइज, मेरे घर के पास ही है ये वाला पार्क। सो आज यहाँ पर आके वीडियो बना रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम था, बट सडनली हवा आने लग गई और टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया है यहाँ पर। तो आज की गाइस जो वीडियो है वो हम लोग 5 फैक्टर्स के ऊपर रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट और स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स के ऊपर मैं आप लोगों को डिग्री और डिप्लोमा कंपेयर करके बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए। जो आपको सही लगता है वो आप ये वीडियो के बाद ले सकते हैं अच्छे से देखने के बाद, और बाद में मैं आप लोग को लास्ट में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आप लोग को एक्जैक्टली क्या लेना चाहिए, जिससे आप लोग को आइडिया लगेगा कि अगर आप लोग का इस तरीके का माइंड सेट है तो आप लोग इसमें जा सकते हो, और अगर अलग तरीके का है तो कुछ और ले सकते हो। सो नंबर 1 जो है वो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अब एलिजिबिलिटी के लिए गाइस डिग्री में अगर मैं बताने जाऊँ तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर रखना पड़ेगा काफ़ी। ट्वेल्थ में अगर आप लोग के काफ़ी अच्छे परसेंटेज है तभी आप लोग को डिग्री में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। बिकॉज डिग्री जो होती है वो यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे होती है, और यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग रहता है वो कंपेयर टू कॉलेजेस से बहुत ऊपर रहता है, ठीक है। सो अगर आप लोग डिग्री करना चाहते हो ट्वेल्थ के बाद तो आप लोग को ट्वेल्थ के अंदर अच्छे खासे मार्क्स आने चाहिए, अच्छा खासा परसेंटेज होगा, तभी आप लोग यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिग्री परस्यू कर सकते हो। बट डिप्लोमा में ऐसा नहीं है, डिप्लोमा में आप लोग कोई भी प्रोग्राम ले सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी का सीन भी रहता नहीं है, बिकॉज अगर आप लोग के ट्वेल्थ के अंदर थोड़े कम मार्क्स भी है तो आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा में ईजी एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज डिप्लोमा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है, डिप्लोमा कॉलेजेस में होता है। सो ये एक अच्छा खासा फैक्टर है, मेन फैक्टर जो मैं आप लोग को बताऊँ डिग्री और डिप्लोमा में परसेंटेज का, बिकॉज सब बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, सब लोगों के अच्छे खासे मार्क्स नहीं आते। तो जिनके नहीं आते वो लोग कॉलेजेस में जा सकते हैं, और जिनके आते हैं वो लोग यूनिवर्सिटीज़ के लोग अप्रोच कर सकते हैं। बट गाइज आप लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है और ट्वेल्थ में आप लोग के मार्क्स नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऐसे भी केसेस होते हैं कि वो पढ़ने अच्छी जगह पे जाते हैं बट उनके मार्क्स नहीं आए ट्वेल्थ में। सो आप लोग ये केस में क्या कर सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हो उसमें क्लियरली स्टेट करो कि आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हो, ये प्रोग्राम क्यों पढ़ना चाहते हो, उसका रीज़न स्टेट करना। ये मत लिख देना उसमें कि मेरे को यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा ना, उनको ये नहीं जानना कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप ये क्यों पढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने क्लियरली यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन कर दिया तो अगर आपके मार्क्स कम भी है तो चांसेस है कि आप लोगों को डिग्री प्रोग्राम में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। सो ये सबसे पहला फैक्टर था हम लोग का एलिजिबिलिटी डिग्री और डिप्लोमा में। सो इससे आप लोग काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हो कि आप लोगों को डिप्लोमा करना है या डिग्री करनी है, ठीक है। सेकेंड जो फैक्टर रहेगा गाइज वो है ड्यूरेशन। अब सबको पता है गाइस कि ट्वेल्थ के बाद अगर आप लोग डिग्री लेते हो तो डिग्री इंडिया में भी 4 साल की होती है और कनाडा में भी डिग्री 4 साल की ही होती है। सो अगर आप लोग यहाँ पे डिग्री लेते हो तो आप लोग को 4 इयर्स तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, और डिप्लोमा लेते हो तो डिप्लोमा तो खाली 2 साल का रहता है, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट करता है और उसी के बारे में आपको 2 साल तक अच्छे से पढ़ाया जाता है। बट डिग्री में इस तरीके का नहीं रहता है, डिग्री में आप लोग को अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आप लोग को हर तरीके का एक्सपोजर मिलेगा। आपको बेसिकली आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इंजीनियर मैकेनिकल ले लिया या कोई भी तरीके का कोर्स ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या जिसमें भी आप लोगों को इंटरेस्ट है उस वो डिग्री आप लोगों ने ले ली, तो 4 साल के अंदर खाली आप लोगों को कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे, बीच में आप लोगों को कुछ कुछ मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स भी आएंगे, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स भी आएंगे, कोडिंग भी आएगा, सब कुछ मिक्स होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके का रहता है डिग्री प्रोग्राम के अंदर, सब कुछ पढ़ाया जाता है, बट डिप्लोमा में इस तरीके का नहीं है। डिप्लोमा में अगर आप लोग डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स लेते हो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल या डिज़ाइनिंग में लेते हो, तो 2 साल आपको कोर डिज़ाइनिंग सिखाया जाएगा, ठीक है, डेप्थ में ले जाके डिज़ाइनिंग सिखाएंगे वो लोग, आप लोग को इंडस्ट्री रेडी करने की कोशिश करेंगे डिप्लोमा के अंदर। सो देख सकते हो आप लोग कि आप लोगों को कोर घुसना है, एकदम डीप एक ही फील्ड में जाना है, या आप लोग वाइड तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो। सो ये सारा आपके ऊपर है गाइस, आपको जिस तरीके से चाहिए रहता है वो आप ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन एंड डिपेंडिंग ऑन योर डिग्री या डिप्लोमा, बिकॉज ड्यूरेशन भी बहुत लोगों को मैटर करता है। बहुत लोगों को उतना साल पढ़ना नहीं होता है, 2 साल पढ़ाई करनी होती है और उसके बाद उनको अपना खुद का कुछ करना होता है। सो ये भी आप लोग कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है, आप लोग क्या करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़। आप लोग डिग्री करने के बाद आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा या फिर डिप्लोमा करने के बाद मिलेगा। सो मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे आप लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी का तो कुछ भी नहीं रहता है, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, बिकॉज अगर आप लोग डिग्री करते हो तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डिग्री में बहुत बढ़ जाती है, जॉब का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, यहाँ पे एक्सपोजर का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, बिकॉज जो डिग्री होती है गाइस वो यूनिवर्सिटी में होती है, जैसे मैंने आप लोग को बताया, और यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं। अब मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रखे हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से, चाइना, जापान, ये वो, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा खासा एक्सपोजर रहता है, आप लोग को अलग अलग तरीके का माइंडसेट दिखेगा, अप्रोच दिखेगा लोगों का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यूनिवर्सिटी में मिलती है, बट डिप्लोमा अगर आप लोग करते हो कॉलेजेस के अंदर, तो कॉलेज में तो या तो इंडिया या तो पाकिस्तान या तो बांग्लादेश, ये सब जगहों से लोग आएंगे, उसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हो, जो भी है वो आपके ऊपर है। बट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ तो सैलरी वाइज अगर मैं बताने जाऊँ तो डिग्री होल्डर जो होता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू दैट ऑफ डिप्लोमा होल्डर, बिकॉज डिग्री होल्डर जो से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बंदे ने हर चीज़ एक आइडिया होगा इसको, बिकॉज मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप लोग को हर कोर्स में वो लोग एनरोल कराते हैं और आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस दिलाते हैं, डिप्लोमा में ये चीज़ नहीं होती है। सो ये फैक्टर्स मेक करते हैं, बट इसमें टाइम का भी फैक्टर आ जाता है, डिग्री 4 साल रहती है, डिप्लोमा 2 साल रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है गाइस कि आप लोग को डिग्री लेनी चाहिए, डिप्लोमा लेना चाहिए। तो बेसिकली अभी तक मैंने 3 फैक्टर्स के बेसिस पर डिग्री और डिप्लोमा को जज किया है। सो आई थिंक आप लोग को अभी तक ये मेन 3 फैक्टर से आइडिया तो लग गया होगा कि आप लोगों को किस फील्ड में जाना चाहिए या किस एरिया में जाना चाहिए। सो गाइस अब जो फैक्टर के बारे में लोग बात करेंगे वो है कॉस्ट, खर्चा कितना लगेगा, बिकॉज मेन चीज़ तो यही आ जाती है। हमें तो सब करना होता है बट हमारे पास इतना फाइनेंशियल बैकअप भी होना चाहिए वो चीज़ करने के लिए। सो कॉस्ट ऑब्वियसली सिंपल सी बात है गाइस, डिग्री में कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, डिप्लोमा में कॉस्ट कम रहेगा, बिकॉज डिग्री 4 साल का प्रोग्राम है, तो 4 साल जब आप यहाँ पे आते हो तो 4 साल तक आप लोग को फ़ीस पे करते रहनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, घर के खर्चे निकालने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, आपको काम भी उतना ही करेगा, पार्ट टाइम जॉब भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिकली रोल प्ले में आ जाते हैं। और जब डिप्लोमा करते हो गाइस तो डिप्लोमा जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2 साल का होता है, तो 2 साल के अंदर इतना ज़्यादा रहेगा नहीं, 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 सेमेस्टर का बेसिकली डिप्लोमा हो गया, तो 4 सेमेस्टर की फ़ीस आप लोग को पे करनी होती है और वो भी आप लोग यहाँ पे जॉब करके ईजिली निकाल सकते हो। सो आप लोग देख लो कि आप लोग को डिप्लोमा लेना है, डिग्री लेनी है, ये सारे फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर, बिकॉज मेन तो 3-4 ही फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे आप लोग को डिसाइड करना है कि मैं ये लूँ या ये लूँ, बिकॉज जब मैं आप लोग को अपना ओपिनियन बताऊँगा तो शायद आप लोग का थिंकिंग चेंज हो सकता है, एज़ फार एज आई नो, ठीक है। तो कॉस्ट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कॉस्ट के ऊपर मैं इतना सही रखूँगा कि हमें जितना इंटरेस्ट है उस हिसाब से हमें देख लेना चाहिए। इसके बाद गाइस जो लास्ट वाला फैक्टर है वो है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप का क्या सीन है, ठीक है, बिकॉज काफ़ी बच्चे होते हैं जो स्कॉलर्स होते हैं और उन लोग स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी में रहते हैं कि कहाँ पे उनको मिल जाए। तो स्कॉलरशिप गाइस सबसे ज़्यादा आप लोग को यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है कंपेयर टू दैट ऑफ कॉलेजेस, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ का फंडिंग बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। एवरी ईयर उनको 1 मिलियन 2 मिलियन का फंडिंग आता है और वो 1 मिलियन 2 मिलियन उनको सिर्फ स्कॉलरशिप से ऊपर स्पेंड करना होता है। सो वो लोग तो ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढ ही रहे होते हैं जो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर किसी भी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने छोटे एज में अचीव कर रखा है या फिर उनको नॉलेज है कोई चीज़ के बारे में बहुत अच्छी। सो आप लोग देख देख सकते हो कि आप लोगों को स्कॉलरशिप का डिग्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कंपेयर टू दैट ऑफ डिप्लोमा, बिकॉज कॉलेजेस के अंदर का स्कॉलरशिप नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतने बंदों को मिला हूँ, मैंने कभी नहीं सुना किसी को कि कॉलेज के अंदर उनको स्कॉलरशिप मिली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यूनिवर्सिटी में तो गाइस बहुत से लोगों को सुनने में मिलता है कि इनको स्कॉलरशिप मिल गया है, इस ये वाला स्कॉलरशिप मिला है। अलग अलग तरीके के स्कॉलरशिप में बहुत काफ़ी वैरायटी टाइप के होते हैं, कुछ मार्क्स के बेसिस पर रहते हैं, कुछ नॉलेज के बेसिस पर रहते हैं, कुछ सर्टिफिकेट के बेसिस पर रहते हैं। सो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सो देख लो आप लोग कि स्कॉलरशिप के बेसिस के हिसाब से आप लोग को जाना है तो आप लोग, बट आई डोंट थिंक आप लोग स्कॉलरशिप के हिसाब से डिसीजन लोगे कि आप लोग को डिग्री लेनी है डिप्लोमा लेना है। ठीक है, मेन तो आपको जो मैंने शुरू के 3 फैक्टर बताए वो 3-4 फैक्टर के बेसिस पे ही आप लोग डिसाइड करना कि आप लोगों को डिग्री लेनी है डिप्लोमा लेना है। और स्कॉलरशिप तो क्या है कि एक बार आप लोग डिसाइड कर लोगे, फिर जब अप्लाई कर रहे हो तो अच्छे से अपने प्रोफाइल बनाना एंड देन अप्लाई करना, तो चांसेस है कि आप लोग को शायद स्कॉलरशिप भी मिल जाए। सो ये था गाइस मेन सारे फैक्टर्स जो मुझे बताने थे आप लोगों को डिग्री और डिप्लोमा 12th के बाद अगर आप लोग करना चाहते हो तो। सो कैसा लगा आप लोगों को ये जो फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताया? मैंने कोशिश करी गाइस कि मैं रियलिटी से रिलेटेड फैक्टर्स बताऊँ, ना कि कुछ भी बात करें हम लोग, समझते हो ना आप लोग। सो मैंने कोशिश करी है कि जो जो चीज़ें मैं मेन पकड़ सकता था वो मेन 5-6 फैक्टर्स पकड़े और उसमें मैंने डिग्री और डिप्लोमा को कंपेयर करके बता दिया। लास्ट में गाइस मैं आप लोगों को मैं खुद का अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। मैं आप लोगों को माइंडसेट बताता हूँ। ठीक है, 2 तरीके के माइंडसेट होता है। नंबर 1 होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई करने के लिए आए होते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनका पहले से ही दिमाग में फिक्स होता है कि मैं अपना बिज़नेस करूँगा, या मैं ट्रकिंग में जाऊँगा, या फिर मैं अलग अलग तरीके की चीज़ें करना चाहता हूँ, शॉप खोलना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ। सो देखो, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉप खोलने के लिए आ रहे हैं या ट्रकिंग लेना चाहते हैं या इस तरीके का खुद का बिज़नेस करने का प्लान है, उस तरीके का माइंडसेट है आपका, तो आप लोग डिप्लोमा ले लें। ठीक है, डिग्री में इतना पैसा वेस्ट ना करें, बिकॉज डिप्लोमा 2 साल का होगा, 2 साल कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आपको जो करना है आप लोग कर सकते हो। ट्रैकिंग में जाना है तो डिप्लोमा ले लेना, ये सारी चीज़ें आप लोग डिप्लोमा ले लेना, ये वाले जो भी इस तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं। बिकॉज अगर आप लोग ये माइंडसेट रखोगे और डिग्री ले लोगे ना तो फिर 4 साल निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के लिए कॉलेजेस ही है, डिप्लोमा ले लो, कैसे भी करके 2 साल कंप्लीट कर दो और उसके बाद आपको जो भी करना है आप आगे फील्ड में एक्सेल करते चले जाओ। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ाई करनी होती है, जिनका मेन फोकस रिसर्च में रहता है, या उनको पहले से ही फिक्स है कि मैं रिसर्च में आगे जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी एरिया में करना है, तो ये लोगों के लिए डिग्री है। ठीक है, डिग्री यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगी, तो मेक श्योर करना कि आप लोग डिग्री के लिए अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी में ही टारगेट करो, ना कि डिप्लोमा टारगेट करो। बिकॉज अगर आपको पढ़ाई करनी है, रिसर्च ही करना है, तो फंडिंग यूनिवर्सिटी में मिलेगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू दैट ऑफ डिप्लोमा। सो इस तरीके का अगर आप लोग का माइंडसेट है तो यूनिवर्सिटी टारगेट करें और यूनिवर्सिटी में ही जाए, डिप्लोमा में अप्लाई ना करें। सो ये था गाइस आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड डू शेयर दिस वीडियो। लाइक करने से ज़्यादा आप लोग ये वीडियो को शेयर करें ऐसी जगहों पे जहाँ पे बच्चे 12th में हैं, क्योंकि 12th में गाइस क्या होता है ना, सब कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद 12th में कंफ्यूज था, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, चीज़ें क्लियर नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है 12th में, बिकॉज हमारी एज भी उतनी नहीं रहती, हमें पता भी नहीं होता है। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो भी लोग 12th में हैं अभी, तो उनको एक अच्छा खासा गाइडेंस मिल रखे। एंड जो भी मैंने बताया ये मैंने फैक्टर्स पे बताया, जो आप लोग आगे जाके भी ये फैक्टर्स पे फोकस करेंगे। सो मेक श्योर ये वीडियो जगहों पे शेयर हो, जो 12th में है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुंचाई जाए, जो कनाडा आना चाहते हैं स्पेशली वो लोगों को ज़्यादा पहुँचाई जाए। सो अच्छा रहेगा। बाकी गाइज यही था आज के वीडियो में, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।